आज जो कुछ आपके हाथ में है वो खुदा की तरफ से, और जो कुछ नया आकाश नई पृथ्वी आपको देने वाली है नया, वो भी खुदा की तरफ से ही होगा। तो फिर क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तो ये आपके पास अपना एक सवाल है आज का कि थैंक यू वेरी मच, कि मैं खुदा का धन्यवाद करूं, खुदा का शुक्रिया अदा करूं इन सारी नेमतों के लिए और इन सारी बातों के लिए। तो खुदा आपको भी अपने हाथों में रखे, आपको संभाल करके रखे। कल का जो दिन था वो एक खास दिन था, और उस दिन को कहते हैं खानदानी दिन, परिवार का दिन था कल, हैप्पी फैमिली डे। मुझे नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं, कल 15 तारीख थी, 15 मई था, और परिवार का दिन था, परिवार के इकट्ठे बैठने का दिन था, परिवार के इकट्ठे बैठ करके खुदा की इबादत का दिन था। कल मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसलिए आज बयान करूँ, जो कल रह गया वो आज आपके सामने बयान होगा कि कल का दिन जो था एक खास दिन था कि हम पारिवारिक तौर पर मिल के खुदा की आराधना करें। माँ बाप बैठे, बुजुर्ग बैठे, बच्चे बैठे, बड़े बच्चे बैठे, छोटे बच्चे बैठे, और बैठ करके खुदा की हमदो तारीफ करें, क्योंकि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी में हमें होना चाहिए था, हमें खुदा की मेज अपने परिवार में लगानी थी, खुदा की हमदो सना का गीत गाना था कि आओ हम खुश हुए जब खुदा के सिंहासन के सामने जाते हैं और खुदा के सामने चलते हैं। तो कल का दिन ऐसा दिन था कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना मिल करके खुदा की आराधना करें, खुदा की स्तुति करें। अब आप में से जब याद ही नहीं है तो फिर बैठे नहीं होंगे, जब याद नहीं है तो बैठे नहीं होंगे, जब पता ही नहीं है तो फिर बैठे नहीं होंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हर एक दिन नया दिन है। कल नहीं बैठ पाए तो कोई बात नहीं, आज बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठ करके आराधना करना, स्तुति करना, क्योंकि ये खुदा को अच्छा लगता है। उससे बातचीत का दिन था, इकट्ठे बैठ करके खुदा की इबादत करना, खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा की बरकतों को लेना, खुदा की आशीष को लेना पारिवारिक तौर के ऊपर। तो आज मैं आपसे दरख्वास्त ही करूँगा कि कल वाला जो दिन था उसे हम आज कोशिश करके आज खुदा के सामने रखें, मैं और मेरा घराना मिल करके खुदा की शिकायत करेंगे, खुदा की हमद करेंगे, क्योंकि कल का दिन जो बीत गया सो दोबारा नहीं आता, लेकिन हम उसे याद करके खुदा से माफ़ी मांग सकते हैं, खुदा की आराधना में जा सकते हैं। तो हमने कल पारिवारिक दिन हैप्पी फैमिली डे कल नहीं मनाया, तो आज जरूर खुदा के सामने जाइएगा, अपने परिवार के लिए दुआ कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, अपने अजीज दोस्त मित्र जो आसपास रहते हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। सारी मलिनता, सारा बैर भाव, सारा नफरतें मिटा करके आज कल का जो दिन था ना, ये दिन था कि आप अपने जो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका बहन, आपका भाई आपसे अगर नाराज है ना, तो उसे भी बुला लो कि आओ हम मिल करके खुदा की आराधना करेंगे, खुदा की प्रस्तुति करेंगे। मैं कई घरों में जाने का मौका मिलता है मुझे, और जब पहले मौका मिलता था तो घर के बाहर ही लिखा रहता था क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, मसीहा इस घर का मालिक है। आज वो तख्ती जो है ना वो कहीं नजर नहीं आती। पहले बुआ जी आपके बुकशॉप में बड़ी होती और लोग बड़े ईमान से बड़े दिल से उस तख्ती को लेकर के
माथा टेक के घर ले जाते और घर की चौपट लगाते, द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, मसीहा इस घर का मालिक। आज वो मलकियत जो है वो नजर नहीं आती, आज तो कोई और ही तस्वीरें लगी होती हैं, कहीं ब्रूसली की तस्वीर लगी है तो किसी को फिल्म स्टार की तस्वीर लगी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई। पहले बच्चों को सिखाया जाता है, घर में जाते ही पहले उस तख्ती के दर्शन करने होते थे, उस तख्ती को हाथ लगा के अपने माथे पर लगाया जाता था और याद किया जाता था कि ये परिवार जो है वो खुदा का परिवार, खुदा इसमें रहता है, खुदा इसमें चलता फिरता है, खुदा ही इस घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो माय डियर फ्रेंड, हैप्पी फैमिली डे के इवज से मैं आपसे आज का बयान कर रहा हूँ कि खुदा ने आदम और हव्वा को बना करके उनको एक किया, एक करके स्वर्गीय बाग में रखा, बागे अदन में रखा और उनको पहला परिवार बना दिया। पहला परिवार आदम और हव्वा का था और उस परिवार को जब बना करके उसने उस बागे अदन में रखा तो क्या क्या कहा, उस परिवार को क्या क्या कहा। आज वही चीजें वो आपके परिवारों को भी कहना चाहता है, बस शर्त ये है कि आपका परिवार पिछड़ा हुआ परिवार नहीं बल्कि एक अच्छा सुथरा मजबूत परिवार खुदा की नज़रों में होना चाहिए। तो उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, पहला अध्याय है उसकी 28 आयत याद करती है, आदम ने हव्वा और आदम को एक परिवार के रूप में बनाया और उनको आशीष दे दी। परिवारों को आशीष मिलती जब आप परिवार में इकट्ठे बैठ करके खुदा की दुहाई देते हैं ना, तो खुदा हाजिर हो जाता है, खुदा आपको बरकतों से भर देता है, खुदा आपके साथ हो लेता है। उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो। मैं एक आदमी को नहीं कह सकता फूलो फलो, परिवार को कह सकता हूं। तो खुदा ने भी परिवार को कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। देखो कितनी बड़ी बड़ी आशीष दी है। आज किसी का बेटा इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठी है, बेटी कनाडा में बैठी है, कहीं एक सारे संसार में खुदा के लोग जो है वो फैल गए हैं। ये खुदा की आशीष और खुदा की बरकतों का नतीजा। उसने कहा कि सारी पृथ्वी में फैल जाओ और सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, इसको अपने वश में कर लो, समुद्र का सारा खजाना अपने वश में कर लो, आसमान का सारा खजाना अपने वश में कर लो, धरती की हर एक चीज के अधिकारी हो जाओ, ऐसा आपसे कहा हुआ। पढ़ेंगे जी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी के सारे खजानों को अपने वश में कर लो, आसमान के परिंदों को अपने वश में कर लो, समुद्र की सारी मछलियों को अपने वश में रख कर लो और उन पर अधिकारी हो जाओ। यह है परिवार, यह है परिवार की अहमियत और परिवार का वजूद जो खुदा के सामने है। और परिवार को खुदा ने कहा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें आज सुना देता हूं, तुझे बता देता हूं, अपने बाल बच्चों को अपने नाती पोतों को भी सुनाते रहना, कहीं वो भूल ना जाएं। अगर भूल गए तो फिर परिवार परिवार नहीं रहेगा, फिर हैप्पी फैमिली डे आप नहीं कह पाओगे। अपने बच्चों को चलते उठते बैठते सोते जागते मेरी बातें याद दिलाते रहना, मेरी इस तख्ती को याद दिलाते रहना, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। आज आपके परिवार का हेड कौन है? अगर मैं अपने परिवार में सोचता हूं कि मैं सबसे बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, मुझे जिम्मेवारियां करनी है, पूरी करनी है, खुदा
के तरफ से अपनी रसोई का ध्यान रखें, तो सारा कुछ जो बल बुद्धि शक्ति और हाथों का काम जो है वो खुदा की तरफ से ही तो मिलना, और मैं भी उसे खुदा के हाथों में ही दे देता हूँ। खुदाया तू ही है, तू ही करने वाला है, तू ही पूरी करने वाला है, तू ही रास्ता दिखाने वाला है, और तू ही मुझे सच्चाई में ले चलने वाला है। पढ़िए जी कहाँ लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण 6:6, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो तुम्हारे दिल में तुम्हारे मन में हमेशा के लिए बनी रहे। आज के लिए नहीं, हम लोग तो सिर्फ 5-7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ही खुदा की बातों में रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते। तो खुदा ने ठीक कहा है कि खुदा के नाम का बीज बोया जाएगा, छितराया जाएगा, फेंका जाएगा, लेकिन पक्षी आएगा और वो ले जाएगा। हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जब तक आप 10-15 मिनट यहाँ पर खड़े हैं, बीज बोया जा रहा है, आप बीज को दे रहे हैं, लेकिन अभी 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, पक्षी आएंगे, वो बीज को जिनको ज़रूरत है ना वो ले जाएंगे, आपके हाथ फिर वहीं के वहीं खाली के खाली। अपने बच्चों को समझाना, उनको सिखाना, घर में परिवार में बैठे उठते जागते सोते बातें मेरी करते रहे। पढ़िए दिखाने का व्यवस्था 6:6, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे। साथ में पढ़ जी। हाँ जी। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। खुदा के कलाम की चर्चा अपने बच्चों से करते रहना, तब आप मसीही परिवार कहलाओगे, तब आप खुदा का परिवार कहलाओगे। जब आपके घर के बाहर एक तख्ती लगी होगी ना, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, तो क्राइस्ट सचमुच में आपके घर का हेड जो है ना, मोडी पंजाबी में कहते हैं घर का मोडी, वो हो जाए। तो जो घर का मोडी थोड़े घर के है तो फिर तू परेशानी की कोई लोड़ नहीं है, पंजाबी दे विच कह रहे हो, क्योंकि हर एक परिवार खुदा की तरफ से बनाया जाता है। आज कोई लिखता है गिल निवास, संधु निवास, सेठी निवास, मसीह निवास, इन परिवारों के नाम स्वर्ग से ही आते हैं। खुदा हर एक परिवार के घर का नाम खुद रखता है। आपके परिवार का नाम खुदा की किताब में लिखा हुआ है, ये नाम खुदा की तरफ से आया हुआ है। पढ़ेंगे कहाँ लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत, क्योंकि हर एक परिवार का नाम खुदा की तरफ से रखा जाता है। याद रखिएगा, आप के अंदर इतनी ताकत इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने परिवार का नाम रख सकें, जो नाम आता है वो खुदा की तरफ से आता है। अभी हम पढ़ेंगे, मिल गया पढ़ेंगे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम स्वर्ग से रखा जाता है। अगर आपके परिवार का नाम स्वर्ग की तरफ से रखा जाता है तो फिर उसकी शुक्रगुजारी तो बनती है ना। ये नाम स्वर्ग से आया हुआ नाम है, उसकी रहमतों से दिया हुआ नाम है, तो उसका सिजदा तो बनता ही है, परिवार में बैठ करके उसका शुक्रिया अदा करना बनता है। बच्चे जो है ना वो माँ बाप के लिए शोभा होते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए शोभा है और बुजुर्ग बच्चों के लिए शोभा, ऐसा लिखा हुआ है। सब उपदेशक की 17:6 में लिखा हुआ है कि बच्चे जो है वो माँ बाप के लिए शोभा और माँ बाप बच्चों के लिए शोभा है, और माँ बाप बच्चों के लिए जीते हैं और बच्चे माँ बाप के लिए जीते हैं। परिवार में हम सब एक दूसरे के लिए जीते हैं, याद रखिएगा, परिवार इसे ही परिवार कहते हैं।
परिवार में हम एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपके भाई के साथ आपकी नफरत है, अगर आप उससे नाराज हैं, आज अभी इसी वक्त उससे मेल कर दें, क्योंकि ये परिवार खुदा ने बनाया है। इस परिवार को तोड़ने का हक किसी को नहीं। अभी और इसी वक्त अपने जो भाई बंधु हैं, जो नाराज हैं, आज ही उन्हें बुला दीजिए, आज ही उनसे बातचीत कीजिए। खुदा आपके साथ रहता है। परिवार में हम एक दूसरे के लिए जीते, तभी तो वो कहता है कि जैसे खुदा ने आपके साथ मेल मिलाप कर लिया है, इसी तरीके से आप भी अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ मेल और मिलाप कर लीजिए। जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर के बैठेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, तब आगे देखिए क्या खुदा क्या क्या कहता है। मैं तेरे और परिवार के सारे रोगों को दूर कर दूंगा, ऐसी आशीष। मैं तेरे और तेरे परिवार की सारी रोगों को दूर कर दूंगा, परिवार के और तेरे सारे पापों को मिटा दूंगा, तेरे परिवार को नाश होने से बचा लूंगा, तेरे परिवार के ऊपर करुणा और दया का सेहरा बांध दूंगा, मैं तुझे और तेरे परिवार को अच्छी अच्छी चीजों से रजा दूंगा, मैं तुझे और तेरे परिवार को खुशियां ही खुशियां दे दूंगा, मैं तेरे और तेरे परिवार को नया कर दूंगा, नई जिंदगी दे दूंगा, मैं तुझे और तेरे परिवार को बरकतों से भर दूंगा, मैं तुझे और तेरे परिवार को आशीषों से भर दूंगा। अभी और बहुत सारी बरकतें, क्या ही अच्छी और मनोहर बात होती है कि परिवार के सदस्य आपस में मिल करके रहे। ये जबूर 133 की पहली आयत है जी, मेरी आखिरी आयत है। क्या ही अच्छी और मनोहर बात है कि सारा परिवार आपस में मिलकर रहे। हमने बहुत बार जिक्र किया है कि FNH हमारा परिवार है और हम इस परिवार के हिस्से हैं। क्या ही मनोहर बात है कि परिवार के सारे जन जो हैं वो मिले रहे, आपस में प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे। आज मेरा फैमिली डे के ऊपर यही उन्वान है कि आप एक हो जाएं, आप मिल जाएं, आपस में मिल के काम करें, आपस में मिल करके इस सारे बोझ को उठाएं, तो बहुत आसान हो जाए, बोझ आसान हो जाता है। तो बाकी बड़ सुख साथ इस फैमिली डे पर मैं आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और मिलकर के वो तख्ती को जरूर याद रखें। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आज का वचन आपके काम आए, आपको आशीष से भरे, आपको बच्चों से भर दे और आप फैमिली की परिवार की परिभाषा को जाने, परिवार की अहमियत को जाने और खुदा दे करें। हाथ जो करें आपके पास रहमतों के पानी